सो हाय गाइस, मेरा नाम है नितिन और आप सभी का स्वागत है नितिन मीना यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि आपको यूनियन ज्वाइन करना चाहिए या नहीं ज्वाइन करना चाहिए। देखो, बहुत सारे फ्रेशर लोग या एक्सपीरियंस लोग हैं, बहुत सारे लोग तो भाई यूनियन को ज्वाइन कर लेते हैं, बाकी जो नए लोग रहते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा डराया जाता है कि भाई यूनियन ज्वाइन नहीं करना है, अगर तुम्हारे कंपनी में पता चल गया तो तुम्हें कंपनी से निकाला जा सकता है, सारी चीज़ें की जाती। इवन मैंने भी, अगर मेरे पुराने आप वीडियोज़ जो लोग मुझे पहले से फॉलो कर रहे हो, मैं भी आपको हमेशा यही बोलता हूँ भाई यूनियन को ज्वाइन करो, बाकी यूनियन से उतना ही टच में रहो जितना की जरूरत हो, फालतू में एकदम यूनियनबाजी हमें नहीं करना है। तो वही चीजें मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा बताने वाला हूँ। देखो, जो भी नए मेडिकल रैप ज्वाइन करो ना भाई फील्ड में, आपको क्या करना है, यूनियन के साथ जरूर रहना, क्योंकि अभी आने वाला जो सिनारियो, मतलब अभी जो फार्मा की कंडीशन में बताऊँ ना, यहाँ पे कुछ भी रीजन जो आपके ABA में RBA में कुछ भी रीजन से कभी कभी आपकी जॉब्स वहाँ पे जा सकती है, चांसेस बनते हैं। तो देखो दोस्तों, इसमें आपकी हेल्प कौन करेगी एज अ मेडिकल रैप्स, इतनी ईजी अगर आप कन्फर्म एम्प्लॉई हो तो आपकी जॉब ऐसे नहीं जा सकती। ये सारे रूल्स आपको कहाँ पे बताएंगे दोस्तों, ये आपको यूनियन से पता चल जाएंगे या फिर आप अपना लेटर वगैरह पढ़ोगे, वहाँ पे कहीं भी सेल की बात नहीं होती है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, जैसे ही आप कोई भी हेडक्वार्टर पे ज्वाइन करो ना, वहाँ पे एक यूनियन को हमें ज्वाइन कर लेना। यूनियन के ज्वाइन करने के बाद ऐसा नहीं कि हमेशा वहाँ पे फोटोज ले रहे हैं, स्टेटस डाल रहे हैं, आज हमारी ये मीटिंग हुई, ऐसा कुछ भी नहीं। ये ट्राई करो कि भाई किसी को भी पता ना चले कंपनी में मैं इस यूनियन में, बस अपना एक रिसिप्ट लिया और हर संडे या फिर मंथ में एक बार उनका मीटिंग होता है वहां पे जाओ, मतलब कि इतना वहां पे हमारी प्रेजेंस होना कि आगे चल के, वैसे तो नहीं होती दोस्तों, आगे चल के कभी हमें यूनियन के हेल्प करे तो वहां पे उनके पास ये क्वेश्चन नहीं रहे, ये बंदा तो साथ में आता नहीं, इसके पास तो रिसिप्ट नहीं रहे, यूनियन इसके हेल्प क्यों करे। तो आपको इतना रहना है कि उनके साथ कॉन्टेक्ट बना के रखना है, ग्रुप्स वगैरह में ज्वाइन होकर रहो, तो उसमें बहुत सारी अपडेट्स भी आपको मिलते रहती है डॉक्टर्स वगैरह के बारे में। तो इसलिए हमें एक यूनियन को ज्वाइन करना है, जो भी नए हो पुराने लोग हो, आप एक यूनियन को ज्वाइन करके जरूर रखना दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे टाइम कंपनी क्या करती है, सेटलमेंट नहीं करती। जैसे आपने कंपनी को छोड़ दिया, अभी आप कंपनी में परेशान हो रहे हो, कॉल कर करके मुझे सेटलमेंट कराना है, कंपनी आपकी सुनी नहीं रही है। तो ऐसे टाइम में यूनियन आपकी हेल्प करेगी, बहुत ज़्यादा लोगों का सेटलमेंट यूनियन कराती है आजकल। और देखो, बहुत सारी कंपनी तो आगे से सेटलमेंट कर देती, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनी भी, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बहुत अच्छे अच्छे लेवल की कंपनी है जो कि सेटलमेंट करने से बच रही है, एक एक दो दो साल हो जाते सेटलमेंट नहीं करते। तो ऐसे टाइम में यूनियन हमें बहुत हेल्प करता है, तो इसलिए हमेशा यूनियन को साथ में लेके चलो। सेकंड हो जाता है भाई आपका जॉब तक का थोड़ा सा रहता है कि भाई आप सेल्स में हो, आपने सेल नहीं करा, IBM को गुस्सा आ गया, RBM का आ गया, किसी भी रीज़न से आपको कंपनी से बाहर कर दिया, आपकी वर्किंग स्टॉप करा दी, कुछ भी आपके साथ हो सकता है। तो ऐसे केसेस में आप अगर यूनियन के साथ हो ना, तो वो आपको इतनी ईजी तरीके से कुछ भी वो नहीं बोल सकेंगे। तो ये हमेशा ध्यान रखना दोस्तों कि आपके साथ जो भी हो रहा है, अगर आपके साथ कंपनी में कुछ गलत हो रहा है ना, कम्युनिकेशन कुछ गलत कर रहे ना, तो आपके यहाँ पे जो भी सीनियर हो उनको आपको ये बताना है, क्योंकि आप तो नए नए रहोगे, पता नहीं रहेगा। बिना रीज़न के आपको कंपनी से कभी भी, कोई भी कंपनी आपको सेल के रीज़न से कभी भी बाहर नहीं कर सकती है आपको। हाँ, यूनियन कहाँ कहाँ पे सपोर्ट नहीं करता है दोस्तों, यूनियन आपको अगर आप फॉल्स रिपोर्टिंग करोगे तो सपोर्ट नहीं करेगा, यूनियन आपको कंपनी की स्ट्रेटेजी जो कंपनी बता रही है उस तरीके से आप काम नहीं कर रहे हो, अपने तरीके से काम करो, इस तरीके में यूनियन आपको सपोर्ट नहीं करेगा। मेन तो आपका फॉल्स रिपोर्टिंग नहीं होना है, अगर आप काम अच्छे से प्रॉपर कर रहे हो, सेल अप डाउन है थोड़ा, तो आपको कंपनी ऐसे बाहर नहीं कर सकती, इसमें यूनियन आपको बहुत सपोर्ट करेगी। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो का मतलब नहीं है जितने भी लोग जाओ यूनियनबाजी करो, मैनेजर से नोटिस मांगो, नहीं, हमें ऐसा काम नहीं करना है। मैनेजर आ रहा है, वर्किंग कराओ, बढ़िया कूल रहो दोस्तों, जब तक हो सके बचो इन सारी चीज़ों से कि आपके और आपके मैनेजर या कंपनी के बीच में यूनियन को आना पड़े। हाँ, बाकी कभी कभी कंडीशंस ऐसी हो जाती है, हमारा पैसा रुका हुआ है, कंपनी नहीं दे रही है, छोटी छोटी कंपनी रहती, कभी पैसा रुका हुआ दे नहीं रही, दूसरे बंदे को अपॉइंट करा दिया, तो ऐसी कंडीशन में हमें यूनियन बहुत हेल्प करती है दोस्तों। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है मेरी कि हमेशा मंथ ईयरली इनका फीस रहता है जो कि 600 के समथिंग रहता है, 600 to 700 rupees रहता है, उसमें आपको एक फ्री गेट टुगेदर भी मिलता है भाई, मतलब ईयर में एक बार। तो आपको ये सारी चीज़ें में ज्वाइन होना चाहिए दोस्तों। एक अभी मैं जिस यूनियन में था वहाँ तो इंश्योरेंस भी आपको देते थे, एक फैमिली इंश्योरेंस, तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है दोस्तों ये सारी चीज़ें। तो आपको बस यही करना है कि जो भी यूनियन वगैरह हो, एक यूनियन को हमेशा वहाँ पे ज्वाइन कर लो, ताकि आगे आपके साथ कुछ ऐसी दिक्कतें आ रही है तो वहाँ पे यूनियन हेल्प करे। लास्ट में एक बार फिर बोलना चाहूँगा, इस वीडियो का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि हमें यूनियनबाजी करना है, मैनेजर आ रहा है तो उससे पहले नोटिस मांगना है, नोटिस कितने दिन की वर्किंग है, आज यहाँ का टीपी तो यहीं मिलना है, ऐसे काम हमें नहीं करना है। मैनेजर आ रहा है जो जहाँ पे बोल रहा है वहाँ पे काम कराओ, RBM आ रहा है जो उस तरीके से बोल रहे उस तरीके से काम करो, बाकी यहाँ अनइथिकल तरीके से गलत काम कराए, आपका सैलरी होल्ड हो, आपको बोले कि वर्किंग स्टॉप कर दो, अगर ऐसे रीजंस आ रहे हैं, ऐसी चीज़ें आपके साथ फेस करना पड़ रहा है, ऐसे टाइम में आप यूनियन का साथ ले सकते हो।
तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।